अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक खैरियत से होंगे? बहुत अरसे बाद आप लोगों ने मेरी आवाज़ सुनी है, तो कुछ इश्यू थी, कुछ रीज़न थी। मैंने पहले भी अपने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैंने बता दिया, जिसकी वजह से मैं बहुत अरसा दूर रही। इंशाल्लाह आज के बाद मैं कोशिश करूँगी कि अपनी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करती रहूँ और आपके साथ गुफ्तगू करती रहूँ। आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, और मैं भी इंशाल्लाह खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो है फुल गोभी मंचूरियंस। बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी, बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट है आपके पास, बहुत सिंपल चीज़ें यूज़ करके हम बनाएंगे घर में, तो बहुत यम्मी एंड टेस्टी, बच्चों को भी पसंद आएंगे और बड़ों को भी पसंद आएंगे। तो जाते अब रेसिपी की तरफ, यम्मी यम्मी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने एक जग पानी लिया है, वो गर्म हो रही है, और यहाँ पे मैं एक खाने की चम्मच जिसमें नमक शामिल कर रही हूँ अच्छी तरह। इंतज़ार करेंगे जब तक पानी में उबाल आ जाए। धीमी आंच पे मैंने रखी है। अब इसमें एक चाय की चम्मच में सिरका डाल रही हूँ, विनेगर। डियर लवली व्यूअर्स, ये देखे पानी में उबाल आ रहा है। मैंने 1 किलो फूल गोभी लिए थे, इसे अच्छी तरह धो लिए। अब इसे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसको ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट उबालना है, फिर उसके बाद इसे निकालना है ताकि ये ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। नमक मैंने इसी वजह से शामिल की ताकि ये ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए। ये 3 मिनट पूरे हो गए, अब इसे निकालेंगे। मैं इसे निकाल रही हूँ, याद रहे सिर्फ मैंने फूल गोभी के फूल लिए हैं, मैंने इसकी डंडियाँ नहीं ली। डंडियों का अलग रेसिपी फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसे निकालना है, देखिए दूसरी तरफ क्या करेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे, जैसे मकरोनी वगैरह पास्ते वगैरह में उबाल करके बाद में निकालने के बाद डालते हैं। ये हो गए, अब दूसरी तरफ क्या करना है, एक बाउल लेना है, उसमें 2 खाने की चम्मच कॉर्नफ्लोर शामिल करना है। अगर घर में मैदा हो और भी अच्छी बात है, अगर मैदा नहीं है तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 खाने की चम्मच बेसन का आटा, अब ये भी शामिल कर सकते हैं, और साथ 1 खाने की चम्मच नमक। इसे अच्छी तरह मिक्स करूंगी। यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी लिए हैं, अब इसे ऐसा ऐसा डालकर डालूंगी और इसे अच्छी तरह मिक्स करूंगी। देखिए इसे अच्छी तरह मैंने मिक्स कर दी। हमें ना पतला चाहिए ज्यादा, ना ही गाढ़ा, तो मैंने इसमें सिर्फ 1 गिलास में से मैंने 1/2 गिलास पानी इसमें इस्तेमाल की। बात है इसके असल काम की तरफ, जो गोभी हम लोगों ने उबाले थे, अब उस गोभी को इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ, फूल गोभियों को।
ये 1 kg फल गोभी है। अब इसे इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करूंगी। गोभी के बहुत सारी रेसिपी आपने खाए होंगे, इस तरह आपने कभी नहीं खाए शायद। अब इन सबको इसी तरह अच्छी तरह मिक्स करूंगी। अच्छी तरह मिक्स की हो गई रेडी। अब इसकी फ्राई की तरफ आएंगे। अब इसको दोबारा आते हैं। मैंने धीमी हल्की आंच रखी है। अब इसमें 5 बड़ी चम्मच में तेल शामिल कर रही हूँ। अब जैसे ही घी गर्म हो जाती है या तेल जो भी आप यूज कर रहे हो, तो मैंने अभी तेल यूज की है। जब तक तेल गर्म हो जाती है करते हैं और दाल की। अभी तक गर्म नहीं हुए, देखिए घी वो तेल जो है गर्म हो गए। अब इसमें मैं डालूंगी फूल गोभी। और इसे उस टाइम तक मैं फ्राई करूंगी थोड़ी सी गोल्डन कलर जब तक इसमें ना आए। चलो थोड़ा थोड़ा करके मैं शामिल कर रही हूँ। डियर व्यूअर्स, ये देखे इस तरह जब ये गोल्डन हो जाएंगे तब हम इसे निकालेंगे। इसमें निकालूंगी इसे। बर्तन में अब जितने भी हमारे पास फूल गोभी है उन सबको इस तरह हम लोगों ने मैंने फ्राई करना है। याद रहे इस तरह हल्का सा आप लोगों ने इसे पिलाना है ताकि ये ज्यादा सूखे नहीं और नीचे से लगे भी नहीं। ठीक, जब तक ये गोल्डन फ्राई हो जाती है। यस, अब देखें सारे गोभी फ्राई हो गए। अब इसमें 2 दरमियानी साइज में प्याज शामिल कर रही हूँ, सेम उसी तेल में जो बाकी बच गए थे। और 3 चम्मच लहसुन के कुटी हुई लहसुन और 6 हरी मिर्च दरमियाने साइज के। अब इसे कम से कम 5 मिनट तक मैं फ्राई करूंगी दरमियानी आंच पे। डियर व्यूअर्स देखते हैं 5 मिनट पूरे हो गए। अब इसमें क्या शामिल करूंगी मैं, 50 ग्राम हरी प्याज, 2 डंडिया होती है, 7 इसमें 1 शिमला मिर्च दरमियाने साइज की, 1/2 चाय की चम्मच काली मिर्च,
नॉर्मल मसाला जो आप घर में यूज करते हैं, एक चाय की चम्मच मिक्स मसाला, आधा चाय की चम्मच चाट मसाला, आधा चाय की चम्मच अदरक पेस्ट पाउडर जो है आपके पास, अदरक पाउडर आप पेस्ट भी यूज कर सकते हैं, अब इन सबको अच्छी तरह मिक्स करूंगी। सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं इसे इन सबको कुक करूंगी। मुझे 2 मिनट पूरे हो गए, जिसमें मैं क्या शामिल करूंगी, एक खाने की चम्मच सिरका, खाने की चम्मच सोया सॉस, 2 खाने की चम्मच चिली सॉस, दो खाने की चम्मच टमाटर पेस्ट, 2 खाने की चम्मच आप केचप भी ले सकते हो अगर आप टमाटर पेस्ट लेंगे, घर में जो अवेलेबल है आपके पास, तो आप क्या करेंगे इसमें, फिर 1 खाने की चम्मच इसमें चीनी शामिल करें, इन सबको अच्छी तरह मिक्स करूंगी। और इसे फिर से 2 मिनट के लिए पकाऊंगी। दो मिनट पूरे हो गए, मैंने 2 खाने की चम्मच कॉर्नफ्लोर लिए थे आधा ग्लास पानी में, इसे अच्छी तरह मैंने मिक्स की। अब आहिस्ता आहिस्ता इसमें मैं शामिल करती जाऊंगी और हिलाती जाऊंगी। ताकि ये अच्छे से थिक हो जाए। इसमें 1 खाने की चम्मच नमक शामिल करूंगी और आधा ग्लास पानी और शामिल कर दूंगी, इसी तरह मिक्स करूंगी और इसे 2 से 3 मिनट पकाऊंगी। तीन मिनट पूरे हो गए, अब इसमें मैं क्या करूंगी, जो मैंने फ्राई की थी बैंगन, ये 3 मिनट पूरे हो गए, अब जो मैंने फूल गोभी फ्राई की थी अब वो इसमें ऐड करूंगी। अच्छी तरह मिक्स करूंगी एहतियात से। मिक्स हो गए, अब इसमें मैं थोड़ा सा हरी प्याज दोबारा डालूंगी इसके ऊपर, और हरा धनिया, फिर से आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करूंगी। वाह देखो कितनी मजे की लग रही है। आप लोग भी जरूर ट्राई करें। वाह।
बहुत मज़े के हैं। अब इसे डिश में निकालूंगी, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए यमी यमी रेसिपी जानने के लिए, और अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर सकते हो आप लोग मेरे प्यारे व्यूअर्स। सिर्फ 2 मिनट और वेट करके आंच बंद कर दूंगी और इसे डिश में निकालूंगी। दो मिनट पूरी हो गए, आंच बंद कर रही हूँ मैं। वाओ, डिश में मैं निकालूंगी। ये देखिए डियर व्यूअर्स, यम्मी यम्मी फूल गोभी के मंचूरियन तैयार। मजे मजे से खाएं और मजे करें, एंजॉय करें लाइफ को। थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।